लोग क्लास 11th में डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम लोग देखेंगे स्लाइवा। स्लाइवा क्या होता है? तो स्लाइवा तीन टाइप्स का होता है। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सबमैक्सिलरी ऑसल मैक्डिबुल ग्लैंड, और दूसरा तीसरा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, तीन तरीका का होता है स्लाइवा। ये स्लाइवा हमारे बॉडी में होता है। अब कहाँ कहाँ पर होता है वो अब देखेंगे हम लोग। तो हम स्लाइवा होता है कि हम लोग का ओरल कैविटी में होता है। ओरल कैविटी के अंदर नहीं, ओरल कैविटी के बाहर में होता है। ठीक है ना, आउटर लेयर में होता है ये स्लाइवा। और स्लाइवा ये प्रेजेंट होता है माउथ में, और ये ओरल कैविटी में होता है। इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली उसका कुछ नहीं होता, इनडायरेक्टली आता है ओरल कैविटी में। तो हम लोग देखेंगे कि ओरल कैविटी में इनडायरेक्टली क्या कैसे आता है स्लाइवा, अब हम लोग देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो स्लाइवा का ये रहा डायग्राम। अब हम लोग है ना एक एक पॉइंट, स्लाइवा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सबसे ज़्यादा स्लाइवा इस यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पूछा जाएगा तो ज़्यादा पढ़ा भी जाएगा। यहाँ पे हर एक पॉइंट है, बस इसी पॉइंट से क्वेश्चन आपको आएगा। तो हम बता चुके हैं स्लाइवा का तीन टाइप्स है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और लास्ट में है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो फर्स्ट कौन सा पार्ट है? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा कौन सा है? सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड। एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है? तो पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसमें स्लाइवा मात्र 20% स्लाइवा होता है प्रेजेंट, और अल्फा स्लाइवा अमेलेज रहता है, जिसको हम लोग टाइलिन बोलते हैं। और ये मफ्स वायरल होता है। ये मफ्स वायरल क्या होता है कि है ना, ये पैरोटिड ग्लैंड में सबसे ज़्यादा हार्डली यहाँ पे आता है, जो हम लोग ये ईयर होता है ना, ईयर से जस्ट नीचे, ईयर से जस्ट नीचे में प्रेजेंट रहेगा पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ईयर से जस्ट नीचे में पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, और इसको लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। 20% स्लाइवा होगा, और अल्फा स्लाइवा अमाइलेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद उसको टैलिन भी बोलेंगे। उसके बाद मफ वायरल क्या होता है कि मफ वायरल एक डिजीज है, जो यहाँ पे सूजन आ जाता है, फूल जाता है। तो आप लोग कभी देखे होंगे कि किस टीका जाकर कुछ लेके इस पर चिपका दिया जाता है। कहाँ पे चिपकाया जाता है? चीक पे। तो ये चीक पे क्यों? क्योंकि ये ईयर से जस्ट नीचे है, तो पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन लगता है, यानी कि वायरल जाता है। तो यहाँ पे चिपका देने के बाद उसको पेन और सूजन दोनों कम होता है। ठीक है, तो हम लोग देखे हैं पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड में भी है ना, ये एक डक्ट होता है, जिसको स्टेंसल डक्ट बोलेंगे। जो हम लोग का पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट कौन सा है? एक्सटेंशन डक्ट होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुल। सबमैक्सिलरी अपर वाला को बोलेंगे, सबमैंडिबुल नीचे वाला को। जस्ट ये दोनों के बीच को जो गैप रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुल। ये सबसे ज़्यादा इसमें स्लाइवा पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड में 20% स्लाइवा, और सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुल में 70% स्लाइवा प्रेजेंट होता है। ये आप जब यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड में भी डक्ट है, तो यहाँ पे भी डक्ट होगा ही। तो यहाँ पे डक्ट को क्या बोलेंगे? ये लॉन्गेस्ट डक्ट है। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट डक्ट है, जिसमें वाटसन है। इसका वाटसन है जो लॉन्गेस्ट डक्ट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे आता है, यानी कि इंसीजर का जो होता है ना, यहाँ पे जो इंसीजर की जस्ट आगे वाला, वहाँ पे प्रेजेंट होता है वाइट्री ग्लैंड। वाइट्री ग्लैंड को लॉन्गेस्ट ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्टली सीक्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इंसीजर, यानी कि पीछे से जस्ट ईयर से ला के, और यहाँ पे स्लाइवा कहाँ पे निकलता है? इंसीजर के पास, जिसको हमने सब मैंडिबुल और सब मैक्सिलरी और 70% और इसको डक्ट को बोलते हैं वाटसन डक्ट, जिसको लॉन्गेस्ट डक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम तुम लोग को बता चुके हैं कि टंग का दूसरा नाम लिंगुआ होता है। ये टंग का और लिंगुआ होता है दूसरा नेम, और टंग के जस्ट नीचे वाला को हम लोग, जहाँ पे से स्लाइवा निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब लिंगुआ। यानी कि लिंगुआ होता है टंग को बोलते हैं, टंग के जस्ट नीचे वाला को क्या बोलेंगे? सब लिंगुआ। तो सब लिंगुआ ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? टंग के जो नीचे। टंग को हम लोग दूसरा नाम लिंगुआ बोलते हैं, तो इसलिए टंग को लिंगुआ बोलेंगे। तो
टंग के जस्ट नीचे वाला से जहाँ से स्लाइवा सीक्रेट होता है उसको क्या बोलेंगे, सब लिंगुआ बोलेंगे। तो सब लिंगुआ में कितना परसेंटेज स्लाइवा होता है, 5 से लेके 10%। और सबसे हाईएस्ट किस में होता है, 70% सबमैक्सिलरी सबमैंडिबुल यानी कि वॉइस डक्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब लिंगुअल ग्लैंड का 5 से 10% स्लाइवा होगा, तो यहाँ पे भी कुछ डक्ट आएगा क्योंकि हम सब चीज़ हम लोग हर जगह पे डक्ट पर, यहाँ पे पैरेटिड ग्लैंड होगा, यहाँ पे सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और यहाँ पे सब लिंगुअल डक्ट का क्या होगा, डक्ट ऑफ लाइनेवस या बोथोलिन डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, बोथोलिन डक्ट भी बोलते हैं, डक्ट ऑफ लाइनेवस भी बोलेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे, ये डायरेक्टली यहाँ से ईयर से आके इंसीजर पे वो अपना स्लाइवा आता है। एक हम लोग यहाँ पे इंसीजर से जस्ट पहले जो बाद में जो आता है वहाँ पे हम लोग का मतलब इंसीजर की जस्ट अंडे वाला में वहाँ पे हम लोग का स्लाइवा प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग को बोलेंगे वाचन डक्ट बोलेंगे, और जहाँ नीचे वाला टंग के जस्ट नीचे वाला आएगा उसको सबलिंगुअल ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। ये रहा हम लोग का स्लाइवा। अब स्लाइवा में कितना क्या प्रेजेंट होगा, किस में क्या होगा, अब हम लोग ये देखेंगे। ये रहा पूरा स्लाइवा का डायग्राम, यहाँ पे से एक एक पॉइंट से कहीं से भी लॉन्गेस्ट कौन होगा ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्लैंड में सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ग्लैंड यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे उसका डक्ट का नाम क्या होगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है नीट और एम, ठीक है। यहाँ से ग्रांटी की 2020 में यहाँ पे से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका स्लाइवा के बारे में कुछ कुछ। अब हम लोग देखेंगे कि स्लाइवा का पीएच कितना होता है, तो स्लाइवा का पीएच 6.8 होता है। वॉल्यूम कितना होता है, 1.5 लीटर पर डे। स्लाइवा कितना सिक्रीशन करता है, यानी कि 1.5 लीटर पर डे। और H2O यानी स्लाइवा में वाटर कितना पाया जाता है, 99.5%। उसका म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, ये स्लाइवा के अंदर होता है म्यूकस, जो है ना खाना हम लोग जब खाते हैं और उसको जब हम लोग मस्टिकेशन करते हैं तो वो है ना म्यूकस क्या करता है कि उसको बाइंड करने का करता है, फूड को बाइंड करने का, जो हम लोग बोलस कहते हैं, जो बोलस हम लोग जो यानी कि पूरा फूड को बाइंड कर लेने के बाद, जैसे स्लाइवा हुआ, स्लाइवा के अंदर म्यूकस होता है, ठीक है। तो म्यूकस हुआ कि यहाँ तक ऐसे ऐसे हुआ, ये म्यूकस क्या करता है, पूरा को बाइंड करता है यानी कि एक बोलस बनाता है, क्या करता है, एक बोलस बनाता है वो, यानी कि सारा कंबाइंड को एक जगह करता है, उसी को क्या बोलेंगे, म्यूकस, बाइंड ऑफ फूड पार्टिकल। यही बोलस खाना को जो निकलना बोलते हैं वो ओसोफागस में जाता है। वो देखेंगे आगे, हर एक स्टेप बाई स्टेप देखेंगे। उसका इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, K+N+Cl। उसको N2 वेस्ट यानी कि स्लाइवा का नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। उसके बाद हम लोग लाइजोजाइम और इकोसाइट, ये क्या होता है, किल दी बैक्टीरिया होता है, जो हमारे माउथ में आता है को भी एक्टिव बैक्टीरिया सबसे पहले किल करता है, वो लाइजोजाइम और इकोसाइनिन, तो किल दी बैक्टीरिया। IgE है एंटीबॉडी, जो 5 तरीका का होता है एंटीबॉडी। IgA होता है, IgG होता है, IgM होता है, IgD होता है, ये एंटीबॉडी 5 तरीका का होता है। उसके बाद स्लाइवा अमाइलेज को एक्टिवेट कौन करता है, तो क्लोरीन करता है, क्लोरीन एक्टिवेट करता है। और स्टार्च अल्फा अमाइलेज से वो चेंज करता है, तो स्टार्च जब अल्फा स्लाइवा अमाइलेज में जब रिएक्शन कराता है तो क्या होता है, माइलेज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये स्लाइवा अमाइलेज किस में कन्वर्ट होता है, माइलेज में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि PNS और SNS देखेंगे। ये PNS क्या होता है, पारा नर्वस सिस्टम देखेंगे और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम देखेंगे, जो 2 तरीका का होता है। उसके बाद स्लाइवा का स्लाइवेशन यानी कि स्लाइवा जब इंक्रीज करता है तब, स्लाइवा जब डिक्रीज करता है तो जब स्लाइवा डिक्रीज करता है तो कौन सा किसके कारण डिक्रीज होता है, SNS यानी कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के कारण डिक्रीज करता है। अब ये कैसे होता है वो हम लोग नर्वस सिस्टम में देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। अब भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्लाइवेशन में, यहाँ पे पारासिटमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि PSNS यानी कि पारासिटमैटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, क्या इंक्रीज करता है, स्लाइवा इंक्रीज करता है, स्लाइवा को बढ़ाता है और ये स्लाइवा को घटाता है। तो जो साइट्रस फ्रूट होता है वो कौन सा, यानी कि साइट्रस फ्रूट में क्या होता है,
स्लाइवा हमारा बढ़ जाता है। तो स्लाइवा क्या, साइट्रस फ्रूट में स्लाइवा बढ़ता है। देखो नींबू देख लो तो उसमें स्लाइवा कुछ ज़्यादा आ जाएगा, ऑरेंज को देखोगे स्लाइवा, अचार को देख के मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, वो सब साइट्रस फ्रूट के कारण। उसके बाद इसमें जो हम लोग को चिकन का, नॉनवेज हो या किसी चीज़ का, जिसका जो फेवरेट हो, उसका स्मेल से ही देख के वो मुंह में पानी और बेचैनी हो जाती है, उसको किसके वजह से, स्मेल ऑफ फूड के वजह से, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, PSNS के कारण। अब देख लो तुम लोग के जो मुँह से पानी निकलता हो किसके कारण हो रहा है, यही PSNS के कारण होता है। उसके बाद साइटो फूड, ये साइट ऑफ फूड जैसे कि देख के मतलब कोई भी खाना यहाँ पे रखा है और उसको देख के ही मन में लालच आता है कि हाँ, अगर फास्टिंग के टाइम में तो क्या करेंगे, मुंह पे पानी तो आ ही रहा है, लेकिन उसको देख के ही बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि वाह कितना दिखने में कितना मस्त है। तो उसको देख के हम लोग को जो लालच आता है, जो स्लाइवा मुंह में आता है, वो देख के जो स्लाइवा आता है उसको क्या बोलेंगे, साइट ऑफ फूड, किसके कारण, PSNS के कारण। देखो सारा जिम्मेदार कौन है, यही है, PSNS है सबका। उसके बाद मेस्टिकेशन, जब हम लोग खाना खाते हैं उसको जब चीविंग करते हैं, जब उसको चबाते हैं, वो किसके कारण होता है, मेस्टिकेशन के कारण। तो मेस्टिकेशन में क्या होता है, उसमें भी स्लाइवा का यूज होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं चबाते हैं तो उसमें जो स्लाइवा का यूज होता है वो कौन सा होता है, मेस्टिकेशन में यूज होता है। तो किसमें, PSNS कारण, यानी कि जितना भी हम लोग साइट मेस्टिकेशन इस सब का यूज किसके कारण, PSNS के कारण। और जो रोकता है वो किसके कारण, कंट्रोल करता है वो किसके कारण, वो करता है, सॉरी गलती, हम लोग किसके कारण, वो SNS के कारण और ये PNS के कारण, ठीक है। ये हम लोग का पूरा मुंह में जो स्लाइवा आता है इसका जिम्मेदार सब PSNS है। आज का लेक्चर बस इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करके रहिए। थैंक यू सो मच।